खान सर, पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को और उमिशा जी को धन्यवाद जे उनके लिए मैं यहां पे बैठ रहा हूं। तो सर, मेरा बिष्णुपुर से तारकेश्वर जो रेल पथ है उसको तो चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा समस्या है सर, वहां पे जो भी काम करे, जो सिंडिकेट में पैसा दो, नहीं तो कार्ड मनी करके मिनिस्टर, एमएलए और पंचायत प्रधान को पैसा दो। तो सर, मेरे एक मांग है, जितने सारे कार्ड मनी लिया हुआ है पीएमसी का, सरकार का, जितने सारे एमएलए हैं, जितने सारे आपका मिनिस्टर्स हैं, जितने सारे आपका पंचायत प्रधान है, पौरसभा का चेयरमैन है, सबका एक ही आदत हो गया कि हर जगह से कार्ड मनी। तो मेरे सर यही डिमांड है, जो सीएम और सीएम का परिवार 2011 साल के बाद कितना पैसा लिया है, कितना कांटी मनी से पैसा लिया है और कितना किसके लिए, ये जो बिष्णुपुर तारकेश्वर रेल पथ है इसका बंद रखा हुआ है, तब सर मेरे यही डिमांड है, उसके लिए एक जांच कराइए। आज सीएम का परिवार में कितना कांटी मनी लेकर और कितना उसका भातीजा कितना पैसा लेकर वो कांटी मनी से संपत्ति करेगा, इसके ऊपर जांच होना चाहिए सर, ठीक हो जाएगा। शताब्दी राय सर, मैं भी वही संकट, जल संकट लेके बात करना चाहती हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरभूम है, जहाँ पे मोहम्मद बाजार है, उसका पास में हिंगला नदी है, खड़ाशोल है, उसके शाल रिवर है और बक्रेश्वर है राजनगर पे। इसके अलावा भी राजग्राम उसमें कोई नदी है नहीं, लेकिन पानी चाहिए। आप स्पीकर के अलावा भी आप एमपी है, आपको मालूम है बहुत अच्छे से, 5 करोड़ में कुछ काम नहीं होते, 5 करोड़ में पानी देना मुश्किल बात है। इसलिए जो नया मिनिस्ट्री बने जल संकट, उसको रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरा वो कॉन्स्टिट्यूएंस का पानी दे। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, नया तो आए हैं, हर जगह पे पुराना पीछे जाते, यहाँ पे प्लीज घर का मुर्गी डाल बराबर मत करे, सबको एक ही जैसा चांस दे बोलने की, क्योंकि सुबह से 2 दिन से वेट कर रहे बोलने की, पुराना भी हो जाए नया के साथ पुराना को इक्वली चांस दीजिए। थैंक यू। इक्वल चांस दिया ना सबको, बात में ना नए के बाद पुराना दिया आपको।